तो जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, भाई ने कमेंट किया है कि भाई नया हेडशॉट ट्रिक के बारे में एक वीडियो लेकर आओ जल्दी। हाँ, ये जल्दी को याद रखना, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करूंगा कि कौन सा ट्रिक को यूज करके तुम यहाँ पर अच्छा खासा हेडशॉट ले सकते हो। यहाँ पर तुम्हें राइस्टर लेवल का हेडशॉट ट्रिक आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो की तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और ये ट्रिक 100% वर्किंग है। तो तुम भी अगर किसी भी मोमेंट पे किसी भी बंदे को वांट हेडशॉट लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर वांट हेडशॉट अच्छा खासा लेने के लिए तुम्हें बस तीन चीज की जरूरत पड़ता है। तीन सेटिंग बोल सकते हो, तीन मेथड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन तीन चीज ऐसा कुछ है जो तुम्हें जरूरत पड़ता है अच्छा खासा वांट हेडशॉट लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि तुम्हारा ओवरऑल जो सेटिंग है ना, वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा फायर बटन साइज हो गया 100 और यहाँ पर तुम्हारा जनरल सेंसिटिविटी हो गया 50 से नीचे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम अच्छा खासा वांट हेडशॉट लेना चाहते हो तो तुम्हें फायर बटन साइज एंड कम से कम यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी को हाई रखना पड़ेगा, और फायर बटन साइज को भी तुम्हें 40 के आसपास अराउंड सेट कर लेना है। लेकिन अगर तुम्हें इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए तो तुम यहाँ पर चैनल चेकआउट कर सकते हो, काफी सारे वीडियो मिल जाएगा इसी के रिलेटेड। लेकिन अभी फाइनली बात करते हैं बाकी दो मेथड के बारे में। देखो, ये जो दो मेथड है, ये दो मेथड मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अच्छे से सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। तो सबसे पहला जो मेथड है ये क्या है कि ड्रैग टेक्निक। देखो, यहाँ पर वांट हेडशॉट लेने के लिए तुम्हारा ड्रैग टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए। और नंबर थ्री वाला जो यहाँ पर मेथड है वो क्या है कि एम प्लेसमेंट। बस वांट मारने के लिए तुम्हें ये दो चीज की जरूरत पड़ता है, बाकी कुछ भी चीज की जरूरत नहीं पड़ता है कि फलाना ढिंगाना पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें बस दो चीज सही करना पड़ेगा, एक तो एम प्लेसमेंट और यहाँ पर ड्रैग टेक्निक। तो बात करते हैं सबसे पहले एम प्लेसमेंट के बारे में। देखो, यहाँ पर तुम कौन सा ड्रैग कर रहे हो उसी के हिसाब से यहाँ पर एम प्लेसमेंट तुम सेट कर सकते हो, या फिर तुम्हारा एम प्लेसमेंट के हिसाब से तुम ड्रैग कर सकते हो। दोनों तरीका काम करता है वांट हेडशॉट लेने के लिए। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो एम प्लेसमेंट है ये क्या है कि एनिमी की तुम दोनों तरफ एम रख सकते हो, जैसे कि तुम अभी देख रहे हो। लेकिन ये एम हेड की थोड़ा साइड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बॉडी या कमर से भी नीचे तुम रख रहे हो, तो इससे तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगेगा, बॉडी पर ही एम अटक जाएगा 100% है। बट अगर तुम यहाँ पर जो जगह पे मैं दिखा रहा हूँ एम प्लेसमेंट करने के लिए, इसी जगह पे अगर तुम एम प्लेसमेंट करते हो, ये बेसिकली काफी वेरी शॉर्ट रेंज पर भी 100% वर्क करता है। और तुम यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पे एम प्लेसमेंट करने के बाद कितना खतरनाक वांट हेडशॉट लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ड्रैग को थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ड्रैग करना है। तो ये हो गया सबसे पहला एम प्लेसमेंट। अभी बात करते हैं दूसरा नंबर एम प्लेसमेंट के बारे में, जो कि एनिमी की शेर के ऊपर में तुम्हें एम को प्लेसमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एनिमी की हेड के ऊपर अगर तुम एम प्लेसमेंट करते हो तो उसी टाइम तुम्हें यहाँ पर सिंपल ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि तो फिर रोटेशन ड्रैग चल जाएगा। देखो, यहाँ पर रोटेशन ड्रैग भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा, यहाँ पर तुम्हें करना है अप डाउन ड्रैग। जैसे कि तुम अभी फायर बटन को देख रहे हो मैं किस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर फायर बटन को थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहा हूँ फिर ऊपर की ओर खींच रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मेरा एम जो है एनिमी की हेड पे कनेक्ट हो रहा है अपने आप, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है यार। एनिमी की नीचे साइड तुम्हें एम को लेकर आना है सबसे पहले, फिर ऊपर की ओर ड्रैग करना है, बस ड्रैग का टेक्निक इतना ही है। और एम प्लेसमेंट तुम्हें यहाँ पर एनिमी की शेर या हेड के ऊपर तुम्हें एम को प्लेसमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर अप डाउन ड्रैग को तुम्हें यूज करना है, तो तुम्हें यहाँ पर एम को एनिमी की हेड के ऊपर ही रखना पड़ेगा। इससे तुम्हें एक काफी अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं तुम्हें 100% ग्रेंट के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन अभी बात करते है यहाँ पर जो मैं पहले ही बताया था कि यहाँ पर दोनों तरफ तुम्हें एम प्लेसमेंट करना है, एनिमी की राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। देखो, अगर तुम इस तरह से एम प्लेसमेंट करते हो तो तुम इस जगह पे तुम दोनों टेक्निक यूज कर सकते हो ड्रैग के लिए, या पर तुम सिंपल ड्रैग भी कर सकते हो जहां पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एनिमी की हेड की ओर बस सीधा फायर बटन को ड्रैग कर दो, काम खत्म। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वही रिकॉइल प्रॉब्लम कभी कभार देखने के लिए मिलता है, कभी कभार बॉडी शॉट थोड़ा लगता है, हेड शॉट थोड़ा लगता है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो तुम्हें उसी टाइम रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा,
जाएगा। रोटेशन ड्रैग तुम्हें कैसे करना है और क्यों करना है वो तो तुम्हें पता ही है। रोटेशन ड्रैग अगर तुम करते हो तो तुम यहाँ पर काफी इजीली एनिमी को खत्म कर सकते हो, यानी काफी अच्छे से यहाँ पर तुम्हारा एम लॉक हो जाएगा एनिमी की हेड पे। तो इस सिचुएशन पे तुम सिंपल ड्रैग भी कर सकते हो और रोटेशन ड्रैग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि ये जल्दी वाला बात को याद रखना। तो देखो यहाँ पर तुम लोग जो भी कमेंट करते हो, यानी जो भी यहाँ पर कंटेंट की रिलेटेड कमेंट आता है कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसी के ऊपर वीडियो बनाओ, देखो ये तुम लोग अगर जल्दी चाहते हो ना तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि तुम आज ही कमेंट करके कल ही तुम्हें वीडियो चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मेरा पहले से ही शेड्यूल रहता है। और ऐसा टॉपिक अगर तुम सोच रहे हो कि आज कमेंट कर दिया मतलब कल ही तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वीडियो शूट करो, एडिट करो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और उसके अलावा बाकी वीडियो शेड्यूल रहता है तो वो पूरा का पूरा गड़बड़ होता है अगर तुम्हारा वीडियो बीच में लाना पड़ता है तो। लेकिन हाँ, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर वीडियो कवर हो जाए। तो टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे दिमाग में भी कुछ भी आइडिया है, कुछ भी टॉपिक के रिलेटेड आइडिया है तो तुम नीचे कमेंट कर दो, मेरे तरफ से जितना हो सके उतना फास्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो एक बार नीचे कमेंट करके देख लो यार, क्या पता नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे कमेंट पे ही बन जाए। तो नीचे एक बार जरूर से जरूर कमेंट कर देना किसी भी रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में चाहिए कंटेंट वगैरह कुछ भी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा वो भी तुम नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। उसके अलावा अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो मिलते किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।